चैनल न्यूज, मैं हूं नेहा जोशी। देखते हैं यूपी चुनाव के बाद मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी, कितनी है सुरक्षा बल की तैनाती। एक नजर सुर्खियों पर। उन्नाव में स्ट्रांग रूम के बाहर सपाइयों ने एक लेखपाल को पकड़ा। ईवीएम को सील करने का सामान ले जाते हुए सपा नेताओं ने लेखपाल को पकड़ा। इस दौरान इस पूरे मामले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। मुरादाबाद में मंडी समिति में स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। यहां ऑब्जर्वर की गाड़ी सपा नेताओं ने रोक ली। गाड़ी रोके जाने के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। सपा नेता मंडी समिति जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे। मिर्जापुर में सपा नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बताया कि जिस कमरे से आवाज आना बताया गया वहां ईवीएम रखी ही नहीं गई है। वाराणसी में ईवीएम लदी गाड़ी पकड़ी जाने के बाद अखिलेश यादव डीएम पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि वाराणसी की डीएम गड़बड़ी करवा रहे हैं, मुझे पता है कि डीएम किसके लिए काम करते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने वाराणसी की डीएम के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। वाराणसी में ईवीएम को लेकर शुरू हुए बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। मंगलवार को वाराणसी में ईवीएम से लदी गाड़ी मिलने के बाद यहां हंगामा देखने को मिला था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में यूक्रेन से वापस आए छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों के परिजन भी वहां मौजूद रहे। सीएम योगी ने सभी से बातचीत की। परिजनों ने इस बीच केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव हार सुनिश्चित देखकर माहौल खराब करने की कोशिश बंद करें। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों पर मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। 10 मार्च को मतगणना से पहले ही विपक्ष ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 2017 में ही जनता ने उन्हें खारिज कर दिया था। कुछ परिवारों तक, जाति विशेष के कुछ लोगों तक ही अखिलेश की सरकार सीमित थी। मुरादाबाद में चुनाव सफलतापूर्वक कराए जाने के बाद थाने में पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान फिल्मी गानों पर थाना कटघर में तैनात पुलिसकर्मियों ने वर्दी में जमकर ठुमके लगाए। इस पार्टी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सकुशल चुनाव संपन्न कराने के बाद अब मतगणना को लेकर के पुलिस की मुस्तैदी जारी है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इसके लिए 250 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके अलावा 61 कंपनी पीएससी, 625 राजपत्रित पुलिस अधिकारी, 1807 निरीक्षक, 9598 उप निरीक्षक, 11627 मुख्य आरक्षी और 48649 आरक्षी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एशियानेट न्यूज हिंदी। नमस्कार।